आज का दिन राजनेताओं के लिए बिल्कुल वैसे ही रहा जैसे बोर्ड एग्जाम के बाद रिजल्ट के दिन छात्रों का होता है। और आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को एकदम टॉपर वाली फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि यूपी में जो हुआ वो एग्जिट पोल से एकदम परे है। यहाँ मामला एकदम पलट गया। साल 2017 के चुनाव के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। लगातार दो विधानसभा चुनाव और एक लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार के बाद बड़ी सफलता हासिल हुई है। समाजवादी पार्टी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। समाजवादी पार्टी ने अकेले अपने दम पर अब तक 36 सीटें हासिल कर ली हैं। कुछ तय है तो वो ये है कि समाजवादी पार्टी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इंडिया गठबंधन के खाते में लगभग 44 सीटें आई, जबकि बीजेपी 33 सीटों पर सिमटे दिख रही है। दिलचस्प बात यह है कि ये मुलायम सिंह के निधन के बाद पहला लोकसभा चुनाव था और समाजवादी पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन कर दिखाया है। इंडिया गठबंधन की जीत में समाजवादी की अहम भूमिका रही। साथ ही अब समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की जमकर तारीफ हो रही है। कहा जा रहा है कि अखिलेश ने जिस तरह इस चुनाव में जातीय समीकरण को जोड़ा, उसके आधार पर उसके आगे भारतीय जनता पार्टी का गणित ध्वस्त होता दिखा। समाजवादी पार्टी बीजेपी के कई दिग्गजों पर भारी पड़ गई है। चलिए एक नजर पिछले लोकसभा चुनावों पर भी डाल लेते हैं। समाजवादी पार्टी के कमबैक का गणित समझते हैं। बड़ी जीत की बात करें तो दो दशक पहले समाजवादी पार्टी को 1991 में 41 सीटों पर जीत मिली थी। 2004 में उनके 36 सांसद चुनकर आए थे। 2009 में ये आंकड़ा 23 सीटों का रह गया था, लेकिन 2014 में मोदी लहर में तो समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीटों पर सिमट गई थी और 2019 में भी आंकड़ा यही रहा था। समाजवादी के घाटे में 5 सीटें आई थी, लेकिन आज वोटों की गिनती समाप्त होने तक समाजवादी पार्टी अपने खाते में 36-37 सीटें भी दर्ज कर लेती है तो न सिर्फ 6% की बढ़त होगी बल्कि सालों पुराना रिकॉर्ड भी टूटेगा। अब दिन भी लगभग खत्म हो गया है, ऐसे में लग रहा है कि यह आंकड़ा फाइनल आंकड़ा होने वाला है। समाजवादी पार्टी की इस जीत को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यू वीडिया न्यूज। धन्यवाद।